सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर टेन स्ट्रेट लाइन्स ठीक है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है धीरे धीरे प्लस वन प्लस टू में करते करते ये थ्री डी तक पहुँच जाएगा ओके दिस इज जोमेट्री का पार्ट है ये सो लेट एस सी की इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे टेंथ क्लास में हमने देखा था आ, तीन फॉर्मूले हमने करे थे कोऑर्डिनेट जोमेट्री के अंडर फर्स्ट वॉज डिस्टेंस फार्मूला ठीक है और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 वन एंड एक्स टू तो उनके बीच में डिफरेंस जो होता है पी क्यू है सपोज पी इज एक्स वन वाई वन एंड क्यू इज़ एक्स टू वाई टू तो इट इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो ये हमने अचीव कैसे किया था एक कि रफली अगर मैं एक्स लूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेरी एक लाइन आ जाए पी क्यू ठीक है जी सो so, P जो है दैट इज x1 y1 x1 y1 एक्स वाई वन यहाँ है सपोज और ये Q है तो ये Q जो है इट इज़ x2 y2 और P जो है इट इज x1 y1 तो इसको जब ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे हम तो ये चीज़ जो होगी x1 होगी और ये चीज़ y1 होगी ठीक है जी तो ये पॉइंट एक्स वन वाई वन हो जाएगा पी पॉइंट ऐसे ही ये जो क्यू पॉइंट है ये क्या हो जाएगा ये एक्स टू हो जाएगा यहां तक और वाई टू हो जाएगा ये पूरा का पूरा तो जब इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको हम ज्वाइन कर देंगे अगर यहां से तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये y2 टू माइनस वाई वन बन जाएगी और यह वाली चीज है x2 टू माइनस एक्स वन ठीक है जी तो 90 डिग्री तो है ही पायथागोरस लगाएंगे तो पी क्यू निकल आएगा हमारा सो सिंपल पाइथागोरस इज दिस पी क्यू इज पाइथागोरस से आ जाएगी सो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि x2 टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर द रूट दिस वॉज माई डिस्टेंस फॉर्मूला एक एग्जाम्पल दी हुई है कि सिक्स माइनस फोर और थ्री जीरो में क्या हमारा डिस्टेंस है तो इसको एक्स टू टू ले लिया और ये एक्स वन वाई वन तो एक थ्री माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फोर इज प्लस फोर नाइन प्लस सिक्सटीन स्क्वायर रूट फाइव यूनिट्स ओके सो ये था मेरा डिस्टेंस फार्मूला सेकेंड थिंग द अब था हमारा सेक्शन फार्मूला दिस इज सेक्शन फार्मूला ऊपर वाला वॉज डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला ठीक है इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक लाइन है और उसमें मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2, राइट right. और मेरे पास यहां पे एक कोई पॉइंट है जो m रेशो n में इसको डिवाइड करता है तो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट जो हैं, अगर मैं एक्स वाई से डिरोट करूंगा तो क्या होंगे तो वो होते थे हमारे एम इंटू एक्स टू राइट ठीक है ये यह देखो यहाँ पे एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन राइट और वाई कोऑर्डिनेट ये पूरा एक्स है मेरा और वाई कॉर्डिनेट क्या होगा मेरा सेम चीज करनी है एम इंटू वाई टू एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन तो ये मेरा वाई का कोऑर्डिनेट होगा ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग इज ये इंटरनली है दिस डिवीजन इज ये जो रेशियो एम रेशियो में डिवाइड करना है वो इंटरनली एक्सटर्नली का अलग होता है एक्सटर्नली में क्या होता है कि जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाता है ठीक है तो एक्सटर्नली में यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है ये एक एडिशनल चीज़ हमने इसमें डाल सकते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस आ, आ जाएगा और यहाँ बस इतना डिफरेंस है और अगर आप उसको ग्राफिकली uh, देखेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि आपका जो ये पॉइंट है सपोज ये पी है ये क्यू है और ये आर पॉइंट निकाला है तो अगर मैं पी यहाँ ले लेता हूँ और क्यू यहाँ ले लेता हूँ और आर मैं एक्सटर्नली बाहर निकाल दिस इज इंटरनली एंड नीचे वाला केस इज एक्सटर्नल डिविजन ठीक है सो पी क्यू को बाहर बाहर कर रहा है तो एम रेशन तो सेम रहेगा लेकिन एम रेशन का मतलब क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखो जो M पार्ट्स थे वो PR, आर पी आर इज एम पार्ट और आर क्यू इज एन पार्ट ऐसे है और यहाँ पे क्या होगा मेरा कि मैं जो PR आर को सेम एम पार्ट रखूंगा तो PR आर इज एम पार्ट नाउ एंड क्यू आर इज एन पार्ट्स नाउ ये मतलब हो जाएगा बस बाकी रिमेन्स द सेम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स वाई ठीक है तो सिर्फ माइनस से ही है चेंजेस आपके यहाँ पे नोटिसेबल हो जाएंगे और ये जो आर पॉइंट है ये एक्सटर्नली उसको रेशो में डिवाइड कर रहा है ओके okay? तो एक एग्जांपल इसमें जैसे क्या है फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी तो ए एंड बी दे रखे हैं इंटरनली रेशो वन रेशो थ्री में है तो बस वन रेशो थ्री अगर आप यहाँ भी लगा देंगे तो वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वन ये आ गया आपका अपॉन वन प्लस थ्री ये एक्स कॉर्डिनेट आ गया ओके okay, कैलकुलेट करके ये जीरो आ रहा है और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट वन इंटू नाइन प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री तो ये आ गया जी अपॉन वन प्लस थ्री ये वाला इन दोनों के एडिशन तो ये भी जीरो आ रहा तो बेसिकली ओरिजन आ रहा है इसका कि ओरिजन पे ये वन रेषो थ्री डिवाइड कर रहा था जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो जीरो कॉर्मा जीरो के आ रहे हैं नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो हमने क्या देखा था सेक्शन फॉर्मूला की ही एक्सटेंशन है ये मिड पॉइंट कैसे निकालना आपने ठीक है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने सेम वही सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक x1 y1 है और एक्स x2 y2 है तो मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा वन इस टू वन में होता है तो वन के साथ जब आप इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स वाई के मिड पॉइंट के तो एक्स कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो वन इंटू एक्स टू और वन इंटू एक्स वन निकलेगा और अपॉन में वन प्लस वन टू तो डायरेक्ट ये आ जाता है कि हम दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दें बस ठीक है सेम थिंग गोज फॉर वाई कोऑर्डिनेट वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू तो ये सेक्शन फॉर्मूला ही है बेसिकली ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है वो हमारी फोर्थ है और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना सीखा था अगर हमें तीन वर्टिस बताऊं ट्राइंगल के तो इसमें हमने कैसे सीखा था इसमें हमने सिंपली एक ट्राइंगल ली थी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है एंटी क्लॉक हम चलेंगे तो पहले जब हम एक्स वन लेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ पहले लगा देंगे बार इधर देखो यहां पे हमने यहाँ से करें हाफ ठीक है तो सबसे पहले मॉड के अंदर लेंगे क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाएगा हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो मॉड्युलस इसके लिए है ओके तो हाफ x1 वन पहले लिखेंगे तो x1 वन सबसे पहले और फिर इसका y2 टू माइनस थ्री से मल्टीप्लीकेशन ठीक है सेकेंड है प्लस एक्स टू और y3 थ्री माइनस वन से मल्टीप्लीकेशन x2 टू वाई थ्री माइनस वन से फिर x3 थ्री लेंगे लास्ट में प्लस करके और y1 वन माइनस टू तो सेम प्रोसेस रखेंगे तीनों में ठीक है ये ऑर्डर बस ध्यान से रखेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में मॉड्यूल्स निकाल देंगे क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव आ सकता है तो उसने एग्जाम्पल नीचे दिखाई है कि ये मेरे कोऑर्डिनेट्स अगर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा दिया जैसे फोर हाफ फोर माइनस टू माइनस माइनस सिक्सटीन हो जाएगा वाई वन वाई टू माइनस वाई थ्री तो माइनस टू माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री सिक्सटीन माइनस फोर प्लस माइनस थ्री फोर माइनस माइनस टू या फोर प्लस टू ठीक है जी सो so, ये माइनस फिफ्टी फोर बाय टू बन रहा है तो मॉड्यूलस लेंगे इसका तो ये ट्वेंटी सेवन आ जाएगा प्लस फिफ्टी फोर हो जाएगा तो ये मेरा स्क्वायर यूनिट्स में ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है राइट और इसमें एक स्पेशल कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमारी जो तीन पॉइंट्स हैं ठीक है वो कोलिनियर कब होते हैं यानी मार्क में है नीचे तो वो क्लिनियर तब होते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाता है सो so अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा तो ये जो ए बी सी सपोज है तो ये जो ए है ये कलेप्स कर जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो तो ए यहाँ आ जाएगा ठीक है तभी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा तो कोलिनियरिटी की ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालते हैं ओके okay? इसको हम सेम थिंग गोज फॉर कि हम इसको सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ए बी यहाँ पे इस केस को अगर मैं लूंगा सो ये बी ए प्लस ए सी इज़ इक्वल टू बी सी आ जाएगा ठीक है ना बी ए प्लस ए सी की लेंथ जो बी सी के बराबर अगर आ गई तो ये कुल है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा और इनफैक्ट इसे हम सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं इसे कि आप यह, आप कोई भी ए जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई हैं तो आप एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट से रेशो निकाल लो के रेशो वन ले तो वो जो रेशो आएगी उस रेशो से आप वाई निकाल लेना ठीक है या वाई से भी निकाल लो अगर दोनों से सेम रेशो आ रही है दैट मीन्स कि वो एक ही उस पर है मतलब लाइन पे है तो सेक्शन फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं तो तीनों से हम कोलिनियर निकाल सकते हैं लेकिन द इजिएस्ट इज कि ट्राइंगल को आप एरिया को जीरो कर दो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्लोप क्या होता है स्लोप ठीक है, सो so, एक लाइन जो है जैसे ये हमें एक डायग्राम दिख रही है ये लाइन एल है ठीक है ये एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पे है? राइट तो तो ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं कि ये इंक्लीनेशन है इस लाइन की एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल वो बनाएगी इट इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन राइट और इसका अगर मैं टेंजेंट कर दूंगा यानी कि टेन थीटा कर दूंगा ठीक है उसको बोलते हैं हम स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल तो टेन थीटा इज बेसिकली स्लोप और इसको हम एम से डिनोट करते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा और इसको हम हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ठीक है जी अब इसमें जो आपका आ, क्या हम कह सकते हैं तो दो आप इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ एक छोटी सी चीज़ ऑप कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ज़ीरो क्योंकि इंक्लिनेशन शुरू नहीं हुई अगर ये लाइन एल जो है एक्स के ऊपर ओवरलैप कर दूँ मैं तो थीटा जीरो हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है तो टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगी जीरो राइट right? और वाई एक्सिस पे ऐसे क्या होगा नाइन्टी डिग्री हो जाएगा थीटा सो नाइन्टी डिग्री जब थीटा हो जाएगा तो टेन नाइन्टी इज अनडिफाइंड सो वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि टेन नाइन्टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड और टेन जीरो जीरो तो एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो जीरो है और y एक्सिस का स्लोप है वो इन्फिनिटी है अब इसमें आप अगर इसको और बेसिक करेंगे तो और बेसिक में हम क्या समझ सकते हैं देखो कि स्लोप का मतलब होता है स्लोप का बेसिक मतलब होता है कि चेंज इन y ओवर डेल्टा से मैं चेंज कर रहा हूँ ओवर चेंज इन x, ठीक है ये सबसे बेसिक मीनिंग है स्लोप का ठीक है आपकी वाई में कितना चेंज आ रहा है जब आप एक्स को चेंज कर रहे हैं ठीक है सपोज यहाँ पे आप ये दो पॉइंट लेते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो ये आपका डेल्टा एक्स है ठीक है और डेल्टा वाई क्या है यहाँ से यहाँ आपका डेल्टा वाई है क्योंकि ये आपका वाई वन है सॉर्ट ऑफ ये आपका वाई टू है तो वाई टू माइनस वाई वन इज़ डेल्टा वाई ठीक एक्स वन वाई वन पॉइंट अगर और ये एक्स टू वाई टू अगर पॉइंट है ठीक है जी सो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन है राइट right? और आप जैसे इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका स्लोप निकल आता है ठीक है सबसे बेसिक डेफिनेशन इज इसको हम कहीं उसमें रन ओवर क्या कहते हैं राइज ओवर रन बोल देते हैं क्या बोल देते हैं स्लोप क्या होता है राइज ओवर रन राइज तो का मतलब क्या वर्टिकली कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है दैट मीन्स चेंज इन वाई है ठीक है क्योंकि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर राइज हो रहा y है वाई कोऑर्डिनेट ठीक है और रन क्या हो रहा है कि एक्स वन एक्स टू तक जा रहा है ये वाली चीज सो इट इज राइज ओवर रन ठीक है बट हमने क्या बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि चेंज इन वाई एक्स इज अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ये हम स्लोप होता है ओके okay? और सबसे इससे जो मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है दैट इज एम इज इक्वल टू टेन थीटा सीधी सी बात ये मेरी स्लोप की मुझे दो चीजें डिफाइन हो गई मेरी अब आप इसमें देखो कि अगर मैं इसमें टेन थीटा ओके टेन थीटा ना हमारे पास तो टेन थीटा अगर मैं ये देखो थीटा ये है ये लाइन पैरेलल भी तो बन रही है इसके ओरिजोंटल्स आर पैरेलल, तो ये कॉरस्पोंडिंग एंगल थीटा ये भी हो जाएगा अब इसमें अगर ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा मैं निकालूंगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ही होगा ना ठीक है तो ये सारी बातें मेरी कन्वर्ज करके एक ही चीज बता रही है कि स्लोप क्या होता है अगला जो टॉपिक है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन तो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन पे दिए हैं तो पीछे जो हमने किया था सेम वही चीज़ है ये एल ले, ले लेते हैं हम ठीक है अब कोऑर्डिनेट्स आपको इस लाइन पे ये दो गिवन है ठीक है ये P है x1 y1 और ये Q है x2 y2 तो इसमें जब हम चेंज निकालेंगे तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा ये वाला पोर्शन क्योंकि इसको जब मैं नीचे ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये थीटा ठीक है जी सो so, यहाँ पे इसने ये एल लाइन ली हुई है ये एम पॉइंट लिया हुआ है ये आर पॉइंट लिया है और ये औरिजन है तो इसमें जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगी मेरी देखो ये चीज़ एक्स वन है ये चीज़ वाई वन है ठीक है यहाँ तक एक्स वन है और यहाँ तक एक्स टू है तो ये क्या बन गई ये चीज़ मेरी एक्स टू माइनस एक्स वन बन गई चेंज इन एक्स बन गया सेम थिंग ये चीज जो है वाई वन है और ये चीज कितनी है वाई टू है इतनी वाई वन है तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरा यहां से है? वाई टू माइनस वाई वन क्यू एम तो ये थीटा ही है क्योंकि पैरेलल लाइंस है हॉरिजॉन्टल सो so, टेन थीटा क्या आ गया मेरा टेन थीटा बड़े ही सिंपल टर्म्स में है एम जो होता है वो टेन थीटा होता है एम इज़ इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ठीक है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस से भी आ जाएगा जैसे मर्जी सो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो अगर मुझे ये पता है कि मेरी लाइन पे दो पॉइंट्स ये पड़ते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं तो मैं सीधा सीधा इस फॉमूला से स्लोप निकाल सकता हूँ अगर मुझे एंगल पता है एक एक्सिस के साथ क्या पड़ता है तो स्लोप ये है अगर मुझे दो पॉइंट्स पता है कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप ये है ठीक है तो दो चीजें आगे मेरे पास स्लोप निकालने के लिए अब एक देखिए अभी तक जो हम केस डिस्कस कर रहे थे वो हमारा एक्यूट एंगल का केस था ठीक है केस वन आप कह सकते हैं दैट वॉज फॉर एक्यूट एंगल राइट अब केस टू देखो अगर एंगल जो है थीटा टॉप है तो जैसे ही थीटा ऑप्टूज होगा तो थीटा जो है 90 से बड़ा हो जाएगा तो लाइन की डायरेक्शन क्या है देखो चेंज हो गई ओके okay. तो इससे क्या हुआ कि जब हमने वही चीज़ लगाई तो अब ये पी जो है दैट इज़ x1 y1 एंड Q जो है दैट इज x2 y2। तो अब जो अगर मैं m से लेके p तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा इट वुड बी y1 वन uh, बड़ा है ना अब इस केस में तो y नहीं सॉरी x आएगा तो ये आपका x1 वन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि x1 वन इज बिगर ऊपर से ये वाली चीज जो है ये सेम आपकी y2 टू माइनस वाई वन रहेगी क्योंकि वाई वन इज टेल बिगर तो ये एंगल जो है पैरल लाइन्स तो नहीं है लेकिन ये पीछे वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 एटी माइनस थीटा हो जाएगा ठीक है तो ये वाला एंगल भी 180 एटी थीटा हो जाएगा तो अब जो मैं टेन निकालूंगा वो मैं टेन 180 एटी थीटा का निकालूंगा एंड दैट विल बी पी ओवर बी ठीक है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है मेरा ठीक है तो टेन 180 माइनस थीटा आप यहां पे देख सकते हैं कि टेन 180 माइनस थीटा निकालेंगे अब हम वन ये डिग्री है थीटा एक्स नहीं थीटा रखते हैं क्योंकि थीटा ही है यहाँ पे जस्ट गिव मी सो माइनस थीटा इज इक्वल टू अब ये क्या वाई टू ओवर वाई वाई टू माइनस वाई वन है ओवर अब टेन वन एटी माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और ये नेगेटिव होता है सो माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू अब आप इसको माइनस साइन को अगर एडजस्ट करेंगे तो ये चीज़ मैं वापस से एक्स टू ओवर एक्स वन लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन सॉरी सो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो तो ओरिजिनल फिट से चेंज आ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा सो so, मेरा थीटा चाहे एक्यूट हो चाहे ऑप्टिव हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा स्लोप स्टिल सेम रहेगा वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन क्लियर है जी नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स तो सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम दिख रही है वो क्या दिख रही है मुझे कि ये मेरा वाई एक्सिस है ये मेरा एक्स एक्सिस है ओके okay, ओरिजन ये लाइन एल वन है मेरी और ये लाइन एल टू है अब कंडीशंस क्या है कि एल वन एल टू के पैरल होगी देखो अगर एल वन मेरी एल्फा एंगल बनाती है और एल टू मेरी बीटा एंगल बनाती है एक्स एक्स तो का तो एल वन का स्लोप क्या होगा एल वन का स्लोप इज टेन एल्फा और एल टू का स्लोप क्या होगा टेन बीटा राइट अब अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल होगा तभी पैरेलल होंगी चीजें ठीक है कंडीशन क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू हंड्रेड पर इंक्लिनेशन बराबर होगी कहने का मतलब तभी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी ना ठीक है तो अगर अल्फा बीटा के बराबर होगा तो टेन अल्फा भी टेन बीटा के बराबर होगा दैट मीन्स इन सिंपल टर्म स्लोप जो है वो मेरे बराबर हो सीधी सी बात कि कंडीशन यही है कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए कि दोनों जो भी लाइंस पैरेलल होंगी इस केस में दो लाइंस हैं तो स्लोप जो है वो इक्वल होगा ठीक है सो दिस इज द मेजर कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड सेकंड थिंग इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी तो इसमें भी ये मेरा एक्सिस है ठीक है अब ये लाइन जो है वो L1 है ये लाइन L2 है ये बीटा एंगल बना रही है ये एल्फा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ ठीक है अब ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे यहाँ पे होनी चाहिए ठीक है तो इसकी कंडीशन हमने निकालनी है तो आप इसकी कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 90 हो जाएगा अब आपको पता है इस ट्राइंगल के अंदर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, इस एंगल तो एंग क्लियर है सो एल्फा प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू बीटा आ रहा है राइट तो इन दोनों की स्लोप्स निकाल लेते हैं ये चीज़ आ गई मेरे पास अब जैसे मैं दोनों का टेन करूंगा सो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा प्लस नाइन्टी अब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया तो ये कितना बन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ये माइनस क्वार एल्फा होता है ठीक है इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टेन एल्फा ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सो so, कितना आ गया टेन बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेन वन अपॉन टेन एल्फा तो ये मेरा एम टू है अगर लाइन टू है ना क्योंकि बीटा कहाँ से आ रहा है तो so, इसका स्लोप इज अगर इसका स्लोप एल टू का स्लोप जो है एम टू है और एल वन का स्लोप एम वन है सो एम टू इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम वन तो ये कंडीशन है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस की सो एल वन एल टू जो है आपस में दो लाइंस कोई भी कब परपेंडिकुलर होंगी जब वो एक दूसरे के उनका स्लोप जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इसी चीज़ को हम और करके दोनों को अगर क्रॉस कर देंगे तो एम वन एम टू माइनस वन इसको भी आप याद रख सकते हैं ठीक है दोनों का मल्टीप्लाई माइनस वन होगा या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे आप एग्जाम्पल देखते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स स्लोप निकालना लाइन्स का ए पार्ट में है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस तो दो पॉइंट्स आपको दिए हैं तो स्लोप क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है जी तो स्लोप इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन सीधा आ गया नेगेटिव थ्री बाई टू अच्छा स्लोप्स की एक और वो है खासियत क्या है जब तो आपकी लाइन होगी ऐसी तो स्लोप आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि टेन थीटा है ना नाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नाइन्टी से छोटा एंगल रहेगा तो क्या आएगी स्लोप स्लोप विल ऑलवेज भी पॉजिटिव तो लाइन ऐसी होगी और जैसे ही ये स्लोप ऑप्टिज एंगल बनेगी ना ऐसे तो ये थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा मतलब 90 से बड़ा हो जाएगा कहने का मतलब तो वो नेगेटिव आता है स्लोप हमेशा तो इसकी स्लोप जो होगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये लाइन जो है पॉजिटिव स्लोप की है ऐसे वाली नीचे से ऊपर को जो इंक्रीजिंग टाइप जा रही है और जो डिक्रीजिंग टाइप लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वो हमेशा एम नेगेटिव होता है ठीक है ये मुझे यहाँ एम नेगेटिव देख के याद आया कि इट इज़ अ वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो हमें ग्राफ्स में बहुत हेल्प करता है सेकेंड बी पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस कोई फर्क नहीं पड़ता सेम वही लगाओ वाई टू माइनस वाई वन जीरो आ गई स्लोप तो यहाँ से क्या आएगा स्लोप जब ज़ीरो आएगी तो मतलब क्या आएगा कि आपका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना एक्स एक्सिस नहीं है एक्सएक्सिस की स्लोप भी जीरो होती है अब ये पॉइंट जो है आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखोगे अगर सो थ्री माइनस टू कहाँ पड़ेगा थ्री माइनस टू यहाँ कहीं और सेवन माइनस टू कहाँ पड़ेगा आपका सेवन माइनस टू भी यहाँ कहीं पड़ेगा ठीक है तो जैसे मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो आप देख लो ये एक्स एक्सिस के पैडल आएगा तो ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि ग्राफिकली ये कैसे चीज़ें चल रही हैं तो ग्राफ और ज्योमेट्री का एक बड़ा मतलब एल्जेब्रो और ज्योमेट्री का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको हम कॉर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं और जिसे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं इसी को एनालिटिकल वो मैथमेटिक्स कहते हैं हम लोग नेक्स्ट इज सी पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है और डी पॉइंट है कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स तो इसमें तो सिंपल सी बात है इसमें तो स्लोप इज टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी की वैल्यूज आपका रूट थ्री पॉजिटिव ये स्लोप हो जाएगा डी पार्ट में तो और सी पार्ट में आप सीधा Y2 -Y1 X2 -X1 लगाएंगे तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है तो ये थर्ड पार्ट पार्ट को को यानी सी सॉल्व करके हमारा दो पॉइंट्स को सिक्स ओवर जीरो आया तो इसका क्या मतलब है इन्फिनिटी हो गया विच इज नॉट डिफाइंड सो नॉट डिफाइंड के केस में हमें पता है वाई एक्सिस जो है टेन थीटा जब नाइनटी होता है वो नॉट डिफाइंड वाला होता है ठीक है तो ये लाइन उसके पैरेलल आनी चाहिए पॉइंट क्या है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन सो थ्री माइनस टू एक पॉइंट है मेरा यहीं पे पड़ेगा और दूसरा पॉइंट है मेरा थ्री फोर नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है लेट मी चेक अच्छा ठीक है थ्री फोर है ना कोई गड़बड़ नहीं है थ्री फोर यहाँ ऊपर आएगा ठीक है तो जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ये देखो पैडल आ रहा है ना तो पैडल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं तो वाई एक्सिस का जो स्लोप है इस लाइन का भी वही स्लोप है यानी सारी वर्टिकल लाइन्स का स्लोप इज नॉट डिफाइंड नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि टेन सिक्सटी जो है वो रूट थ्री आएगा अब आप देख सकते हो पॉजिटिव स्लोप है हमें पता है कि इसकी लाइन जो है वो ऐसे बननी चाहिए तो सिक्सटी का आपको पता है इंक्लेनेशन टेन सिक्सटी इस टाइप का ही होगा कुछ तो ये सारी बातें बिल्कुल मैच कर रही है ठीक है स्लोप भी पॉजिटिव है रूट थ्री तो इससे एक और चीज़ आप निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो कि बिल्कुल बीचों बीच जाने वाली स्लोप कितनी होगी अगर मैं आपको कहूं कि बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसे बीचों बीच तो नाइन फोर्टी फाइव डिग्री होगा ना देखो वही जाता ना ऐसे फोर्टी फाइव डिग्री का स्लोप तो टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन ठीक है तो वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है ना ये तो इसका स्लोप भी वन बाकी मैं आपको आगे एक और चीज़ बताऊंगा शॉर्टकट स्लोप कैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इक्वेशन के अंदर से नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं तो अगर मेरी ये लाइन एल वन है ये वाली लाइन और दूसरी लाइन जो ये दी हुई है दिस इज एल टू इनके बीच में जो एंगल है तो वो थीटा है सपोज ठीक है तो उसको कैसे निकालेंगे उसको ठीक है और एंगल ये भी देखो कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है ठीक है तो इसको फाइव बोल लेते हैं एंगल तो दोनों ही बन रहे हैं ना एल टू और एल वन के बीच में ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है राइट तो अगर मेरी जो एल वन लाइन है वो एल्फा वन एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ और एल्फा टू एंगल बनाती है वो एल टू जो है लाइन टू एक्स एक्सिस के साथ ये इंक्लीनेशन हो गई इसकी ओके okay. तो अब आपका रिलेशनशिप क्या रहेगा देखो जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल अब ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो थीटा ही हो जाएगा ये ठीक है जी सो so, ये जो रिलेशनशिप है आपका इट विल बी एल्फा वन प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू एक्ट इस एंगल का एक्सटीरियर इस ट्रैंगल में एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा अब थीटा जो है दैट इज अल्फा टू माइनस अल्फा वन हो जाएगा तो इंक्लिनेशन आ गई एक रिलेशनशिप आ गई इंक्लीनेशन के बीच में तो एक काम करते हैं दोनों तरफ टेन लगा देते हैं दोनों तरफ टेन लगा देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टैन एल्फा टू माइनस एल्फा वन सो टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा खोल देते हैं टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी राइट अब आपको पता है टेन अल्फा टू जो है दैट इज ये क्या है मेरा ये मेरा एम टू है ये मेरा एम वन है ये मेरा एम टू है और ये मेरा एम वन है ठीक है जी सो so, क्या बन गया मेरा टेन थीटा एम टू माइनस एम वन और वन प्लस एम वन एम टू या एम टू एम वन जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं तो ये तो मेरा रिलेशनशिप आ गई ठीक है अब इसमें दूसरा केस क्या बनता है कि भाई अगर फाइव होगा तो क्या होगा अब टेन थीटा आप देखो फाइव के साथ क्या रिलेशनशिप है फाइव के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज थीटा और फाइव की क्या रिलेशनशिप है फाइव जो है वो 180 एटी माइनस थीटा है लीनियर पेयर से तो अगर इन दोनों का टेन करेंगे हम तो टेन फाइव कितना हो जाएगा टेन वन एटी माइनस थीटा तो यानी कि माइनस टेन थीटा हो जाएगा सेकेंड क्वारेंट में सो टेन फाइव इज माइनस टेन थीटा ठीक है जी तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा के नीचे वैल्यू अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस लगा के एम टू माइनस एम वन सीधा ओवर वन प्लस एम वन एम टू राइट अब आप ये देखो कि जो फाइ है दैट इज दैट इज वॉट दैट इज माई ऑप्टिज एंगल और थीटा इज़ माई एक्यूट एंगल नहीं तो चेंज हो जाती है ना स्टोरी सो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ऑप्टिवज़ के साथ नेगेटिव आएगा और एक्यूट के साथ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे ठीक है ये मेरा ऑप्टिवज़ है तो सीधी सी बात है मैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले, ले लेता हूँ तो मेरा एक्यूट एंगल आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा मैं मॉडुलस लगा दूंगा मैं क्या करूँगा कि मैं मॉडुलस लगा दूंगा और क्या बन जाएगा टेन थीटा जो भी वैल्यू निकले वो पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं तो पॉजिटिव लेने से क्या होगा पॉजिटिव लेने से एम वन एम टू मॉड्यूल्स पॉजिटिव लेने से ये होगा कि हमेशा ही मेरा एक्यूट एंगल निकल के आएगा थीटा एक्यूट एंगल हमेशा मैं वो ले रहा हूँ और बाद में उसे 180 एट्टी माइनस थीटा करके जैसे अगर सिक्सटी डिग्री आया तो दूसरा तो वन डिग्री अपने आप आ जाएगा सो so, मैं फाइनल फॉर्मूला ये वाला इसको करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम अगर हमें स्लोप्स पता है तो और दैट विल ऑलवेज भी मॉड्यूलस में लेके एक्यूट एंगल दूसरा एंगल हम 180 एटी माइनस थीटा करके हमेशा निकाल सकते हैं तो ये देखिए केस वन दो केसेस बन रहे हैं हमारे कि अगर एम टू माइनस एम वन ये वाली चीज जो है ठीक है पॉजिटिव आई अब ये ठीक है तो टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव हो गया और टेन फाइव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है, विच मीन थीटा विल बी कि अगर यही नेगेटिव आ गया ठीक है, तो क्या होगा तो मतलब टेन थीटा नेगेटिव आ गया और टेन फाइव पॉजिटिव तो सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं अब थीटा ऑप्टिव हो गया फाइव एक्यूट हो गया सो so आप थीटा और फाइव के, के केस में आप पढ़ो ही मत ठीक है आपको सिर्फ ये देखना है कि एक ऑप्टिवज आएगा और एक एक्यूट आएगा ठीक है जी और एक्यूट वाला हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा देख रहे हो आप यहां पे एक्यूट वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव बस इस चीज को पकड़ो तो इस चीज को पकड़ के दूसरा वाला अपने आप अप ट्रू हो जाएगा कि जो आपका नेगेटिव है वो हमेशा ऑप्टिवज आएगा नेगेटिव हमेशा ऑप्टिवज आएगा तो इसलिए हमने क्या किया हमने मॉड्यूलर्स लगा दिया ताकि हम हमेशा एक्यूट एंगल ही निकाल रहे हैं यहाँ थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल राइट तो मॉड्यूलर से हमेशा आपका एक्यूट एंगल निकल के आएगा ऑप्टीव आपको 180 एटी माइनस थीटा करके निकालना पड़ेगा सपोज आपका यहाँ पे 60 डिग्री आ गया थीटा तो आपको यहाँ 180 एटी माइनस सिक्सटी करके ऑप्टीज निकालना पड़ेगा दैट सेट आप एक एग्जाम्पल देखते हैं द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाय फोर अब मुझे दो लाइन्स के बीच का एंगल दिया हुआ है द स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ वन बाई टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन तो अगर मेरे पास दो लाइन्स हैं इनके बीच में जो है फाइव बाई फोर एंगल दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल दिया हुआ है राइट तो इसमें एक लाइन का स्लोप अगर हाफ है और दूसरी लाइन के स्लोप को एम ले लेते हैं ठीक है तो मुझे क्या करना है अदर एम निकालना ला, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है अब इसका मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम वन एम टू अब मुझे ये नहीं पता कि बड़ा स्लोप कौन सा है छोटा कौन सा है तो मॉड्यूलस में वैसे भी वो कवर हो जाएगा तो एम वन को इसने हाफ ले लिया एम टू को एम ले लिया थीटा पाई बाय फोर हो गया फॉर्मूला लगाया एम माइनस हाफ वन प्लस एम वन एम टू वाला अब टेन पाई बाय फोर इज वन तो ये आ गया आपका आप देखो इंटरेस्टिंग थिंग इज इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मॉड्यूलस को कैसे खोलना है ठीक है क्योंकि मॉडुलस में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे दो पॉसिबिलिटीज लेंगे तो हमने क्या किया कि यहां पे आप प्लस माइनस लेने की बजाय आप इधर प्लस माइनस ले लो एक ही बात है ठीक है क्योंकि इक्वेशन का माइनस तो शिफ्ट हो सकता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कोई फर्क नहीं है तो ये जो है ये हमने एज इट इज रखी है एक बार प्लस वन ले लिया और एक बार सेम चीज़ को माइनस वन के इक्वल ले लिया ठीक है कहने का मतलब कि अगर मैं मॉड ए इज इक्वल टू फोर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है या तो ए की वैल्यू फोर है या माइनस फोर है तो आप इसको माइनस ए इज इक्वल टू फोर लिखें या प्लस ए इज इक्वल टू फोर लिखें यह चलेगा लेकिन क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता ए इज इक्वल टू माइनस फोर और ए इज इक्वल टू प्लस फोर तो ये वाली चीज भी सेम है माइनस साइन दोनों तरह कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये चीज लिख रहा हूं मैं राइट हैंड साइड को मॉड में हमेशा आज के बाद हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं सो so, प्लस वन लेके आप सॉल्व करेंगे सिंपल तो ये आ जाएगा और इधर माइनस वन लेके सॉल्व करेंगे तो एम ये आ जाएगा ठीक है सो so, अब इसमें दो कंडीशंस बन गई कि थ्री वाले स्लोप के साथ भी यही बन रहा है और माइनस वन बाई थ्री वाले स्लोप के साथ भी यही बन रहा है ठीक है सो जो मेरा हाफ स्लोप था तो थ्री स्लोप जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा तो m इज इक्वल टू थ्री वाली लाइन ये है तो ये भी पाई बाय फोर है और एक और पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है m वन बाय थ्री, थ्री आपकी नेगेटिव स्टाइल में जाएगी कुछ है ना तो अगर कुछ नेगेटिव स्टाइल में जा रही है तो हो सकता है कि ये वाला एंगल फाइव बाय फोर आ जाएगा ठीक है तो बात तो सही है दोनों के बीच में एंगल फाइव बाई फोर है और मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों वैल्यूज अलाउड है मुझे तो ये देखो नेकलेप उसमें समझा भी रखा है कि ये m इज इक्वल टू हाफ वाली लाइन है तो एम इज इक्वल टू थ्री से बड़ा स्लोप होगा ठीक है तो ये 45 डिग्री मेरा एंगल आ रहा है एक पॉसिबिलिटी और बन रही है कि ये जो m इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होगा तो ये जो L1 के साथ ये एंगल भी 45 फाइव बना रही है चाहे आप ये एंगल मान लो ठीक है तो दोनों कंडीशन इज वेरी मच ट्रू नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थ्री लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो दो पॉइंट दिए हुए हैं मुझे लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है राइट right. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब दो पॉइंट दिए हैं तो स्लोप तो मैं आराम से निकाल लूंगा वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन करके तो न, दो कहने का मतलब मेरे पास दोनों का स्लोप है ये एक्स की टर्म्स में आएगा स्लोप तो अगर ये ऊपर वाला एम वन है और ये वाला एम टू है तो नाइनटी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या होती है कि एम वन इंटू एम टू माइनस वन होता है। तो दोनों का स्लोप निकालो इस इक्वेशन में डालो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी सो एम वन उसने निकाल लिया ठीक है एट माइनस सिक्स ऊपर और x2 टू माइनस एक्स वन फोर प्लस टू हो जाएगा ये तो ये वन बाई थ्री आ गया सिमिलरली m2 टू क्या आएगा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व आ गया और x माइनस एट नीचे आ जाएगा ठीक है इस इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जो एक बार एक्स वन वाई वन आपने फिक्स कर दिया ना उसको लिख लेना ऐसे मत कर देना कि आप एक्स वन माइनस एक्स टू कर दो और वाई टू माइनस वाई वन कर दो ये नहीं करना है तो फिक्स कर लेना है। तो इसके बाद आपका ये आगे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन वहां से आपका एक्स आराम से फोर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी इट इज़ क्वाइट सिंपल जैसे ये लाइन है और इस पर तीन पॉइंट पढ़ रहे हैं ए बी और सी तो आप स्लोप में से कोलिनियरिटी कैसे निकाल सकते हो आप देखो जो ए बी का स्लोप है वही तो बी सी का स्लोप होगा क्योंकि ए की लाइन चलती आ रही है ठीक है तो इसकी मेन कंडीशन क्या है अगर ये ए बी का स्लोप है तो आप ये कह है सकते हैं कि स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी ठीक है तो आप ये आराम से लगा सकते हैं तो पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे तो उन कोऑर्डिनेट्स से मैं डायरेक्टली स्लोप निकाल के इक्वेट कर दूंगा एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा ये थ्री पॉइंट्स पी क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम लाइन तो को हो गए तीनों पॉइंट्स शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है तो इसमें देखो कि कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स तो स्लोप जो है पी क्यू आर का वो पी क्यू का जो स्लोप है वही क्यू आर का स्लोप होगा तो पी क्यू का स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर पी क्यू का स्लोप निकालें तो वाई वन माइनस के आ गया जी एक्स वन माइनस एच ये आगे नीचे फिर क्यू आर का स्लोप निकालें वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन ये आ गया ठीक है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जिस जिसको आंसर देख के देख लो कि एच माइनस एक्स वन के साथ वाई टू माइनस वाई वन तो आप इसको यहां पे कर दो और इसको आप यहां कर दो ठीक है ये आपका आ गया डायरेक्ट तो जो नेगेटिव साइन है जैसे एच माइनस एक्स वन है तो इसमें से एक माइनस साइन बार कॉमन ले लो चेंज हो जाएगा y2 टू माइनस वाई वन के माइनस वन इसको भी एक नेगेटिव साइन बाहर ले लो ये भी चेंज हो जाएगा तो बैलेंस भी हो जाएगा ये तो ये हमारा इसी से आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फाइव इन फिगर टेन पॉइंट नाइन टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन टू पोजिशंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज वैन टाइम इज इक्वल टू जीरो डी इज इक्वल टू टू है एंड वैन टाइम इज इक्वल टू थ्री डी इज इक्वल टू एट है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड द लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम तो इसमें देखो इसमें जो हमें नहीं दिख रहा है वो ये है कि यह वाई एक्सेज है एक्स एक्सिस है यह डिस्टेंस है यह टाइम है ओके सो टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरे पास जो पॉइंट है वो ये जीरो टू है ठीक है ये वाला पॉइंट कि टाइम जीरो है जब टी की वैल्यू जीरो है तो डिस्टेंस जो वाई जो है वो टू है सेम थिंग यहां पे थ्री एट है और यहाँ पे अच्छा तो ये दो दिए हुए हैं मुझे अब उसने बोला यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप मुझे क्या करना है मुझे ये बताना है कि हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम मतलब इनकी रिलेशनशिप निकालनी है तो आप क्या करेंगे स्लोप डायरेक्ट तो निकालेंगे निकल ही जाएगा इसका ठीक है लेकिन अब आपको एक रिलेशनशिप बनानी है तो आप उस रिलेशनशिप के लिए हमेशा क्या कर सकते हैं एक रैंडम पॉइंट उठा सकते हैं उसी लाइन पर और उसको आप टी डी बोलेंगे एक्स वाई नहीं बोल सकते इस केस में क्योंकि यहां हमने टी फिक्स कर लिया और डी यहां पे फिक्स कर लिया ठीक है तो टी और डी बन जाएगा एक्स वाई की जगह अब ये सेम पॉइंट पे है तो कोलिनियर हो जाएंगे ये पॉइंट्स तो कोलिनियर होने से क्या होगा आप इसको अगर ए बी सी बोलेंगे तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम रहेगा स्लोप ए पी इज इक्वल टू स्लोप बी सी तो आपने क्या किया ए बी का स्लोप निकाला एट माइनस टू थ्री माइनस जीरो बना लिया इधर यहां पे नीचे ठीक है और यहां पे डी माइनस एट अपॉन टी माइनस थ्री तो ये दोनों स्लोप को इक्वेट कर दिया आपने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब आप इसे तो आपकी ये इक्वेशन आ गई सॉल्व होकर डी इज इक्वल टू 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 टी प्लस वन और ये सेटिस्फाई भी कर रही है देखो लीनियर इक्वेशन बोला था ना लीनियर मोशन तो वेरिएबल की डिग्री वन रहनी चाहिए ना राइट सो so, हमें पता है कि इसका लीनियर का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है सारी चीजें बिल्कुल हमारी मैच कर रही हैं सो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन दिस केस नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.1 रो कॉर्डिलेट्रल इन द दिन प्लेन हुज वर्टिसीरो सेवन फाइव माइनस फाइव एंड माइनस फोर माइनस टू ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया तो मुझे चार वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उस क्वारिलेटर का एरिया ढूंढना है मुझे तो ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा माइनस फोर फाइव वन टू थ्री फोर माइनस फोर ये है और फाइव ऊपर की तरफ आएगा वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये माइनस फोर फाइव होगा जीरो सेवन तो फाइव तो यही हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जीरो सेवन ये पॉइंट हो गया फाइव माइनस फाइव इज वन Two, three, four, five. One, two, three, four, five. ये पॉइंट हो गया माइनस फोर माइनस टू तो माइनस फोर तो ये भी था और माइनस टू इधर नीचे तो ये चार पॉइंट मेरे आ गए हैं तो अगर अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये जो कॉर्डिलेटरल मेरी आएगी इसका मुझे एरिया निकालना है ठीक है यह पॉइंट है जीरो सेवन ये माइनस फोर फाइव ये आपका माइनस फोर टू यह है आपका फाइव माइनस फाइव तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं टेंथ में भी हम करते थे ऐसे क्वेश्चंस को कि हम इसको आ, किसी भी डायगनल से जोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है निकालने के लिए सो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के ट्राइंगल वन प्लस ट्राइंगल टू कर देंगे राइट right? तो ये क्वेश्चन आपका वैसे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है तो एरिया ट्राइंगल वन निकाल लेते हैं तो ये होता है आपका हाफ मॉड के अंदर एक्स वन अब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो माइनस फोर से अगर शुरू करोगे तो टू माइनस सेवन माइनस फाइव आ गया प्लस अब प्लस में आपका एक्स टू जो है वो माइनस फोर है राइट तो आप प्लस को हटा के माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अगला क्या आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन तो सेवन माइनस फाइव इज टू प्लस जीरो लेंगे तो आप कुछ भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फाइव माइनस वैसे थ्री आना था तो ये आपका क्या बन गया आ, ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस एट इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इज सिक्स ठीक है जी नेक्स्ट हम सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं एंड दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल टू हाफ मॉडिल टू में आप किसी को भी चाहे आप इसको जीरो सेवन से स्टार्ट कर लो तो एक्स वन इज जीरो कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा अदरवाइज टू माइनस माइनस फाइव यानी सेवन आएगा उसके बाद सेकेंड इज माइनस फोर तो माइनस फोर लेंगे तो ये आएगा माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ये प्लस फाइव लेंगे ये वाला तो सेवन माइनस टू ये आपका फाइव आ जाएगा तो ये कितना आ गया आपका ये तो जीरो हो जाएगा ये आपका फोर्टी एट हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव तो 48 एट प्लस ट्वेंटी सिक्सटी एट सिक्सटी एट प्लस फाइव इज 72 टू ठीक है 73 थ्री सॉरी तो 73 थ्री ओवर टू मॉड्यूलस में से आ जाएगा अब इसका एरिया कितना होगा टोटल एरिया जो होगा क्वारिलेटल का वो दोनों को ऐड करेंगे हम तो सिक्स प्लस सेवनटी थ्री बाय टू तो ये 12 ऐड हो जाएगा 6 इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री इज एटी फाइव बाय टू इतना स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा देखो इसमें हमसे एरर हुआ हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है और एरर देखो क्या है कि ये जो टू है ये माइनस टू है राइट right, ये यहाँ पे यहाँ से कॉपी एरर तो ये एरर हमने देखो जैसे lack लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी हुई बनाने में तो हो गया माइनस तो टू से अब जहां जहां टू है आपको माइनस टू करना होगा तो सबसे पहले आपका ये आ रहा है देखो माइनस फोर करेक्शन कैसे करनी है देखो माइनस फोर जब आप यूज कर रहे तो माइनस टू माइनस सेवन माइनस नाइन हो गया आप ये राइट फिर सेकेंड है माइनस फोर तो अब इसमें यूज नहीं होगा तो ये सेवन माइनस फाइव टू दैट इज ओके जीरो वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है जी तो ये आपका माइनस नाइन माइनस फोर माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस एट तो थर्टी सिक्स माइनस एट इज ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई टू फोर्टीन आ जाएगा ठीक है एरिया टू में भी जब मैं जीरो ले रहा हूँ तो इट इज माइनस टू प्लस फाइव तो ये प्लस थ्री हो जाएगा बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस थ्री से क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है आ, फिर आप फाइव लिया तो सेवन सेवन माइनस माइनस टू सेवन प्लस टू यानी कि नाइन हो जाएगा ओके okay? और माइनस फोर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो नाइन फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी एट इट इज नाइन्टी थ्री बाई टू और फिर अब ये लास्ट वाली जो चेंज हो वो क्या हो जाएगी फोर्टीन प्लस नाइनटी थ्री बाय टू और ये एल लेंगे तो 14 टू 28 एट ट्वेंटी एट प्लस नाइन्टी थ्री वन वन बाई टू ये स्क्वेयर यूनिट्स मेरा आंसर है ठीक है जी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर में है सो so टू टू सिक्स ट्वेल्व सिक्सटी वन बाय टू स्क्वेयर यूनिट्स ये मेरा कॉर्डिलेटल का आंसर है आसान सा क्वेश्चन था बट एक गलती साइन की से हमने सारा क्वेश्चन कितना गवा दिया लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है क्वेश्चन नंबर टू द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड टू ए लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इस केस में क्या मुझे दिया हुआ है कि मेरे पास एक ये सपोज एक्सेज है ये सपोज मेरे पास एक्सेज है राइट तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके ऊपर और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे जो मुझे बेस है वो क्या है मेरे पास टू ए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कलर इसमें नहीं चलेगा ये सपोज इक्विलेटल ट्राइंगल ठीक है। तो इसका जो 2a इसकी बेस की लेंथ जो है वो 2a है अच्छा खास ख्याल क्या रखनी है आपने कि इधर भी हो सकती है। तो हम उसको लास्ट में देख लेंगे इस केस को। ठीक है फिलहाल क्या है कि 2a अगर है और ओरिजिन पे मिड पॉइंट है तो A ऊपर हो जाएगा A नीचे हो जाएगा तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा जीरो है। और ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस राइट right? अब मुझे ये वाला वर्टेक्स निकालना है तो आप इसमें देख सकते हैं अगर इसको मैं हाइट को ये अगर ओ पॉइंट है ओरिजिन का और ये ए पॉइंट है तो ओ ए को अगर मैं एच मान लूं तो अगर एरिया से निकालना चाहूं तो कैसे निकल जाएगा तो एरिया ऑफ इक्वेलेट्रल ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ इक्वेलेट्रल ट्राइंगल इज रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर ठीक है और ये जो रूट थ्री बाय फोर अब ए यहां पे वर्ड नहीं करते यहां साइड कर लो साइड का स्क्वायर क्योंकि ए तो यहां पे दिया हुआ तो अब यहां पे जो है रूट थ्री बाय फोर साइड इज वॉट टू ए का इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट भी तो होगा लेकिन तो बेस कितना है टू ए इंटू हाइट कितनी है एच तो ये दोनों एरिया से बराबर हो जाएंगे अब आप इसको अगर कैंसल आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं रूट थ्री बाय फोर फोर अच्छा एक टू ए काट दो इससे ठीक है तो फोर की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सीधा टू ए बचेगा इज इक्वल टू इन टू टू कर दो इज इक्वल टू एच ये टू में ऊपर ट्रांसपोज कर दिया एच आ गया तो ये आपका टू टू ये फोर कैंसल आउट हो गया तो रूट थ्री ए जो है वो लेंथ आ गई मेरी एच की तो पॉइंट क्या बन गया ये रूट थ्री ए कॉमा ज़ीरो ठीक है और अगर इस साइड होगा तो क्या होगा माइनस रूट थ्री है जीर। उससे भी जीरो तो लेंथ यही रहेगी हाई न्यूज की तो ये मेरे सारे वर्टिसेस आ गए तो एक आपका और में आंसर आएगा कि ये जो है या तो मेरा जो दो पेयर में आंसर बनेंगे कि जीरो है हो सकता है जीरो माइनस है और रूट थ्री है जीरो या फिर और दो तो ये सेम रहेंगे तीसरा जो है वो माइनस रूट थ्री जीरो हो जाएगा तो ये मेरा आंसर रहेगा नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वेन फर्स्ट पार्ट पी क्यू इज पैरल टू वाई एक्सेस सेकेंड पार्ट पी क्यू इज पैरल टू एक्स एक्सेस तो अगर मैं एक्सेस बनाऊं तो बोलता है कि फर्स्ट पार्ट में अगर पी क्यू जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सेस है तो सपोज ऐसे है ठीक तो है दिस इज पी क्यू तो इसमें पी क्यू क्या है पी इज एक्स वन वाई वन और क्यू है एक्स टू वाई टू अगर ये पैरेलल है वाई एक्सिस के तो एक्स वन और एक्स टू जो होगा वो इक्वल होगा ठीक है ना क्योंकि अगर पॉइंट होगा ये क्या होगा सपोज ये फाइव टू है ऊपर और नीचे फाइव माइनस टू है तो डिस्टेंस सेम है ना तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा इस केस में हंड्रेड परसेंट तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके बीच में जब एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा तो वाई वन माइनस वाई टू आ रहा है आपका आंसर इसमें तो मोड कर सकते हो आप चाहे तो क्योंकि पहले y1 में से y2 टू माइनस कर दो या y2 में से y1 क्योंकि यह कहीं नहीं लिखा कि p ऊपर है और q नीचे है तो इंटरचेंज भी हो सकते हैं ऊपर x2 भी हो सकता है राइट और अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे सो पी क्यू क्या हो जाएगा अगर मैं एक्स वन माइनस एक्स टू कर रहा हूं इज इक्वल टू ओ सॉरी प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर अंडर रूट तो ये तो देखो जीरो हो जाएगा तो कट जाएगा जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो होगा अब आपको पता है बाय डेफिनेशन स्क्वायर का अगर मॉड वो स्क्वायर रूट निकालना है तो वो मॉड वाई वन माइनस वाई टू होता ठीक है तो ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू का राइट सेकेंड पार्ट के अंदर अगर लाइन जो है मेरी पी क्यू की कैसे होने वाली है पैरेलल टू एक्स एक्सेस तो अगर मेरा पी क्यू जो है वो समथिंग ऑफ द सॉर्ट दिस हो गया इस केस में क्या है देखो इसमें y सेम रहेगा क्योंकि हाइट सेम है ना एक ही y की सेम है तो इसमें मेरा y1 is equal to y2 हो जाएगा तो इसका डिस्टेंस पी क्यू का सेकेंड पार्ट का क्या आएगा यह भी अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो वाई वन माइनस वाई टू का जो स्क्वायर है ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा स्क्वायर रूट तो आप किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर इज मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स टू ठीक है तो ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर है नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सेवन सिक्स एंड थ्री फोर तो मेरे पास अगर मैं एक रफ सा आइडिया लू कि क्या बोल रहे हैं कि थ्री फोर समवेयर यहां पे है और सेवन सिक्स समवेयर यहां पे है अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है मुझे एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से ठीक है कहीं भी हो सकता है तो अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएगा राइट अगर दिस इज पी दिस इज एंड दिस इज बी तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा राइट तो इसको अगर एक्स वाई लेंगे तो एक्स नहीं अब देखो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो मैं इसको एक्स जीरो ले सकता हूं तो पी इज इक्वल टू पीबी जब हम करेंगे तो क्या बनेगा यहां पे ये बनेगा एक्स माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस फोर का स्क्वायर यहां भी स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू पी बी कितना हो जाएगा जी एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सिक्स का स्क्वायर अंडर द रूट राइट right. अब इसमें ये होल्स के वगैरह खुलेंगे तो ये आपका क्या बनेगा इसको थोड़ा यहीं से लिख लेते हैं स्क्वायर रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों साइड के आ, या कह दो कि स्क्वेयरिंग कर रहे हैं हम तो ये अंदर की चीज़ क्या बराबर आई मेरे पास एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इसको मैं खोल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है प्लस माइनस फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन इस साइड से एक्स स्क्र प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन एक्स टू ए बी और सिक्स का इज प्लस थर्टी सिक्स नेक्स्ट थिंग इज आप इसमें एक्स स्क्र में एलिमिनेट कर सकता हूँ और माइनस सिक्स एक्स और माइनस फोर्टीन एक्स को उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो प्लस फोर्टीन एक्स हो जाएगा तो ये एट एक्स हो जाएगा जब सिक्स माइनस सिक्स एक्स साथ ऐड करूँगा ठीक है सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव जो है ये हमें उस साइड कर देना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव राइट क्योंकि सिक्सटीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी फाइव अब थर्टी सिक्स में से अगर ट्वेंटी फाइव हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इलेवन बच जाएगा और फोर्टी नाइन में जब हम इलेवन ऐड करेंगे तो ये सिक्सटी हो जाएगा सो एट एक्स इज इक्ल टू सिक्सटी राइट सो एक्स मेरा कितना आ गया ये मेरा 60 अपॉन एट आ गया तो फोर से दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं फोर टू फोर फिफ्टीन एक्स जो है मेरा कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ गया आंसर इज फिफ्टीन बाई टू कॉमा जीरो जो मेरा पी का कोऑर्डिनेट है जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों ए और बी से नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट जीरो माइनस फोर एंड एट जीरो तो इसको अगर मैं अंदाजन समझने की कोशिश करूं जीरो माइनस फोर सपोज मेरा यहां पर है कहीं ठीक है और एट जीरो मेरा सपोज यहाँ है कहीं तो इस लाइन सेगमेंट को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा पी इज जीरो माइनस फोर एंड बी इज एट जीरो जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट है ठीक है उससे और ओरिजन से पास करती है लाइन उसका स्लोप निकालना है। तो ओरिजन तो ये है इसका ओरिजन से पॉइंट से पास करेगी लाइन इसका स्लोप निकालना है मुझे तो ये मिड पॉइंट जो है पहले तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और मिड पॉइंट क्या सेक्शन फॉर्मूला से बड़े आराम से जीरो प्लस एट डिवाइडेड बाय टू और माइनस फोर प्लस जीरो आ गया फोर एंड माइनस टू यह मेरा मिड पॉइंट आ गया अब स्लोप ओरिजन है तो स्लोप निकालनी है मुझे अब इस लाइन को अगर मैं L1 वन कह देता हूं तो स्लोप L1 या M1 वन कह लो इसका M1 वन स्लोप होगा ना एम वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स तो y2 अब किसी पॉइंट को भी आप x1 y1 ले सकते हैं किसी को भी दूसरा बट सेम रखेंगे ठीक है तो सपोज मैं इसको y1 ले रहा हूं y2 ले रहा हूं तो माइनस टू माइनस जीरो एक्स टू भी अभी को ही लेंगे फोर माइनस जीरो तो ये हो, तो हो गया माइनस टू बाय फोर और माइनस वन बाय टू ठीक है जी तो ये मेरा स्लोप हो गया पर्पल वाली लाइन का यानी एल वन का नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स द्री फाइव एंड माइनस वन माइनस वन आर दर्टिसंगल्ड ट्राइंगल पाइथागोरस हमने यूज नहीं करनी और बतानी है कि तीनों वर्टिस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं तो फोर फोर अगर हम देखेंगे तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये फोर फोर हो गया थ्री फाइव एक थ्री इधर और एक थ्री इधर तो बहुत ही छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ठीक है इसमें हमारी एग्जैक्ट फिगर काम नहीं करेगी ठीक है तो इसको मैं टेंटेटिव बनाना पड़ेगा बट एक बार मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ ये फोर फोर पॉइंट है इसके जस्ट इधर थ्री फाइव है ठीक है और माइनस वन माइनस वन ये वाला तो मेरी जो ट्राइंगल बनी है ये ये और ये राइट right. मुझे बताना है कि अब ये जो है ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आप क्या करेंगे हर लाइन के स्लोप्स निकाल लो तो सबसे पहले जब मैं स्लोप निकालूंगा इस लाइन का ठीक है आप इसको ए बी सी नाम दे सकते हैं तो उससे भी आप इसको काम कर सकते हैं तो जैसे आप इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं तो एक्स टू अगर आप इसे मान रहे हैं तो ये कितना हो गया फोर माइनस माइनस वन ओवर फोर माइनस माइनस वन तो ये आपका हो गया फोर प्लस वन फाइव ओवर फाइव वन ठीक है ये आपका सपोज एम वन हो गया अब एम टू निकालो आप इस लाइन का तो ये क्या होगा फाइव माइनस फोर ओवर थ्री माइनस फोर तो ये भी माइनस वन ओवर माइनस वन माइनस वन आ गया राइट अब इसके बाद आपका तीसरा स्लोप रह गया तो वैसे तो यहीं से कहानी बन गई देखो इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आप निकाल लो एम थ्री जब आप निकालेंगे तो फाइव माइनस माइनस वन इज प्लस वन ओवर थ्री माइनस माइनस वन इज ये भी प्लस वन हो जाएगा तो ये स्लोप आपका कितना आ गया फाइव माइनस माइनस वन इज फाइव प्लस वन इज सिक्स ओवर फोर यानी कि थ्री बाय टू तो ये स्लोप्स आ गए अब आप क्लियरली वी कैन सी क्या देख सकते हैं हम कि अगर मैं माइनस वन इंटू वन कर रहा हूं तो वह माइनस वन आ रहा है यानी कि अगर मैं एम वन का मल्टीप्लाई एम टू के साथ कर रहा हूं तो वो माइनस वन आ रहा है ठीक है दैट मीन्स कि दिस इज द कंडीशन फॉर this is condition for perpendicular lines perpendicular lines so this implies that triangle is right angled triangle next is question number 7 find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट वो कैबल ये है, जो स्टेटमेंट है इसी में घुमाया हुआ थोड़ा सा तो आप देखो अगर आप एक्सेस बनाते हैं ठीक है ये कह रहा है आपको ऐसी लाइन का स्लोप ढूंढना है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस यानी ये ऊपर वाली वाई एक्सेस मेजर्ड एंटी क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज अगर मैं जाऊंगा तो मैं इस तरफ को जाऊंगा कहीं राइट right? तो इसमें अगर कोई लाइन है मेरे पास सपोज ये लाइन है तो यह थर्टी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज वाई एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस से बना रही है सो इफ इट इज थर्टी तो इसका स्लोप क्या होगा अब आप देखो यह थर्टी है राइट right? ये वाला एंगल आगे कितना है नाइन्टी फर्स्ट क्वारंट तो पूरा मिल रहा ना मुझे दिस एंगल इज तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरे का पूरा थर्टी प्लस इज इक्वल टू वन टीट मीन स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी टेन वन ट्वेंटी क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के साथ ही होता है स्लोप का एंगल तो राइट सो टेन वन ट्वेंटी इज माइनस टेन कितना होगा अगर आप इसको माइनस को हटा के पहले कन्वर्जन में लिखेंगे 180 एटी माइनस सिक्सटी सेकेंड क्वारनेंट होगा तो माइनस टेन सिक्सटी आ गया एंड दैट वुड बी माइनस रूट थ्री अगला है जी एट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर ठीक है जी तीनों पॉइंट जो है वो है हमने एक्स की वैल्यू निकाली अब इसके कई सारे तरीके होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जीरो कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी टाइप भी लेकिन हम यहाँ पे स्लोप का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम स्लोप से करेंगे और स्लोप से हम कैसे कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर एक हो गया तो ये कोलिनियर रहेंगे ठीक है तो पहले हम ये एम वन निकाल लेते हैं और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में एम टू निकाल लेंगे टू वन और फोर फाइव के बीच में स्लोप अगर एक ही आ गया तो हमारा काम हो गया तो अगर मैं एम वन निकालता हूं ठीक है इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप तो अगर इसको मैं टू मान रहा हूं तो वाई टू माइनस वाई वन तो वन माइनस माइनस वन ओवर एक्स टू यानी कि टू माइनस एक्स राइट तो ये स्लोप किसके बराबर होगा इट वुड बी इक्वल टू एम वन इजल टू एम टू अच्छा ठीक है मैंने आपको थोड़ा सा गलत बोल दिया सॉरी मैंने क्वेश्चन में वो नहीं दिया कि कोलिनियर तो गिवन है तो एम वन इज इक्वल टू एम टू तो मेरे को मिलेगा इट इज गिवन यहां से x की x की वैल्यू निकालनी है ठीक है जी तो अब m2 के बराबर कर दो इसे तो m2 टू क्या वॉट इज m2 m2 आप ये ले लो टू वन और फाइव फो फोर फाइव के बीच में तो फाइव माइनस वन इज फोर और फोर माइनस टू इज टू ठीक है जी तो ये मेरा क्या आ गया ये मेरा फाइव माइनस वन फोर आ गया और फोर माइनस ये टू आ गया कट के ये टू भी आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वन प्लस वन टू हो जाएगा ये भी टू आ गया ठीक है सो so टू आप टू से टू को कैंसिल आउट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो वन वन रह जाएगा ये तो वन इज इक्वल टू ये भी वन और ये भी वन तो वन इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स को द क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू माइनस एक्स और एक्स को इधर भेज दो और वन को इधर जाके माइनस कर दो सो एक्स वुड बी इक्वल टू वन ठीक है जी तो यही हमने निकालना था नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द दिस 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 एंड दिस चार पॉइंट्स दिए हुए मुझे आर वर्टिस ऑफ अ पैरे तो ऑर्डर में ही ले, ले लेते हैं या फिर इसको एक आ, अगर मैं अंदाजा लगाऊँ टा तो माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा फोर जीरो यहाँ कहीं पड़ेगा थ्री थ्री यहां कहीं पड़ेगा माइनस थ्री टू तो चारों पॉइंट्स मेरे ऑलमोस्ट ऐसे ही ठीक है तो मेरे को ये जो दिख रही है ये पैडालोग्राम तो मैं पॉइंट्स ले लेता हूं माइनस टू माइनस वन फोर जीरो थ्री थ्री माइनस थ्री टू तो टेंटेटिव ये फिगर अचीव हो गया पेडालोग्राम बताना तो हमने डिस्टेंस फॉर्मुला नहीं यूज करना है तो इसमें भी हम स्लोप का फॉर्मुला यूज कर लेते हैं तो इस लाइन का अगर मैं इसको ए बी सी डी कहूंगा तो अब ये दो लाइन तो ए बी पैरल है डी सी के तो ए बी अगर डी सी के पैरल है तो जो स्लोप है एम ए बी वो किसके बराबर होगा स्लोप ऑफ डी सी के बराबर होगा राइट right. तो ये चेक कर लेते हैं तो इसमें जब स्लोप आएगा फोर माइनस माइनस टू तो फोर माइनस माइनस टू ओवर जीरो माइनस माइनस वन तो ये आपका कितना बन जाएगा फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स आ गए ठीक है तो सी डी का स्लोप जब निकालेंगे थ्री माइनस टू ओवर थ्री माइनस माइनस सिक्स अच्छा सॉरी मैंने क्या गलती कर दी मैंने एक्स ऊपर कर दिया भाई ध्यान देना ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं देखो यहां पे नहीं तो स्लो पा रहा है चलो पहले ऊपर का कंप्लीट कर रहा हूं थ्री वाई टू माइनस वाई वन थ्री माइनस टू और नीचे थ्री माइनस माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये आपका वन ओवर सिक्स आ गया राइट यहाँ पे सिक्स आ रहा है तो गलती क्या है देखो तो ऊपर मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन कर दिया तो इसको रेसिप्रोकल करोगे इसको काट दो तो रेसिप्रोकल इज वाई टू माइनस ये तो जीरो माइनस माइनस वन ऊपर आएगा और एक्स टू माइनस एक्स वन नीचे आएगा तो ये वन बाय सिक्स हो जाए तो दोनों स्लोप बराबर आ गए बहुत वन बाय सिक्स ठीक है जी वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स तो इसका मतलब स्लोप बराबर है स्लोप बराबर है तो पैरेलल पैरल उल्टा कर लिया हमने राइट अब चेकिंग आप करेंगे किसके लिए एम एडी एंड एम बी सी एडी बी सी का जब स्लोप देखेंगे तो ये आएगा टू माइनस माइनस वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर माइनस थ्री माइनस माइनस टू राइट सो टू प्लस वन इज थ्री और माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन तो बेसिकली माइनस थ्री आ गया ठीक है स्लोप्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि अलग दिखे और इधर थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस फोर सो थ्री ओवर माइनस वन यानी कि माइनस थ्री तो ये भी बराबर आ गया सो दिस इंप्लाइज कि आपकी ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के तो so, ये मेरा वन हो गया ये मेरा टू हो गया फ्रॉम वन एंड टू क्या बना जब दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो तो ए बी सी डी आपकी पैरल आ गई नेक्स्ट इज टेंथ क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट थ्री माइनस वन एंड फोर माइनस टू तो एंगल जो ढूंढना है हमने एक्स एक्सिस के बीच में और थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन लगभग अगर यहां पड़ रहा है फोर माइनस टू तो उससे आगे फोर माइनस टू यहां पड़ेगा ठीक है अब इन दोनों लाइंस को अगर मैं इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई लाइन बनाऊंगा और थ्री माइनस वन फोर माइनस टू ठीक है इसके और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल आएगा वो हमें ढूंढना है राइट right. तो एंगल जो होगा वो बेसिकली ये वाला ही होगा एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का तो इसमें क्या आ जाएगा तो स्लोप ही निकाल लेते हैं बस दिस इज स्लोप माई तो वह एंगल आ जाएगा सो so, अगर ये स्लोप है दैट इज टेन थीटा ये हो जाएगा आपका दिस पॉइंट इज फोर माइनस टू एंड दिस पॉइंट इज थ्री माइनस वन तो स्लोप आपका हो गया वाई टू माइनस वाई वन माइनस टू माइनस माइनस वन ओवर एक्स टू फोर माइनस थ्री तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन फोर माइनस थ्री इज वन तो बेसिकली माइनस वन ही आ गया अब टेन थीटा माइनस वन आ रहा है तो दैट मीन्स थीटा कितना हो गया सेकेंड कोट में चला जाएगा सो थीटा वुड बी इक्वल टू वन एटी माइनस फोर्टी फाइव तो वन एटी माइनस फोर्टी फाइव इज वन थर्टी फाइव ठीक है बिल्कुल सूट भी कर रहा है बिल्कुल दिख रहा है हमें क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो लाइन भी इसी टाइप से आ रही है सो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है ये वन थर्टी फाइव एंगल बनाता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन इलेवन गुड क्वेश्चन द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन ठीक है जी तो दो लाइन का स्लोप आपस में डबल है एक दूसरे का इफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज वन बाय थ्री उनके बीच में जो एंगल है उसका जो टेंजेंट है ठीक है दैट इज वन बाय थ्री उसकी वैल्यू इज वन बाय थ्री फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन ठीक है तो मुझे स्लोप्स ऑफ लाइन निकालनी है अब सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं ठीक है थीके? इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप डबल हो के टू एम हो जाएगा क्लियर है अब दोनों के बीच में जो टेन थीटा है वो वन बाई थ्री है ठीक है तो अब मैं इसको क्या डालता हूं कि मेरे पास टेन थीटा का फॉर्मूला जो है दैट इज एम वन माइनस एम टू ओवर मॉड को बड़े में रहने दो वन प्लस एम वन एम टू सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप इसमें किसी को भी एम वन एम टू किसी को भी मान सकते हो को कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो अगर मैं एक को m मान रहा हूं तो दूसरे को टू एम मानना पड़ेगा मुझे अब टेन थीटा के वैल्यू इज वन बाई थ्री एम वन को टू एम मान लेते हैं एम टू को एम मान लेते हैं अब वन प्लस टू एम डॉट एम तो ये कितना आ गया मेरा ये आ गया जी हमारा वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू एम माइनस एम इज एम एंड वन प्लस टू एम स्क्वा मॉड्यूल्स अब मॉड्यूलस को खोलते हैं तो मॉड्यूलस खोलने के लिए वी विल गेट टू केसेस कौन से दो केसेस बनेंगे वो और वो बनेंगे आपके एक बार हम क्या करेंगे वन बाय थ्री को प्लस ले लेंगे ठीक है इसको प्लस माइनस मॉडल को लेने की बजाय इस साइड प्लस माइनस कर लो एक ही बात है so, सो पहला केस इज वन बाय थ्री इज इक्वल टू एम ओवर वन प्लस टू एम स्क्वायर केस वन एंड केस टू वुड बी माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू एम ओवर वन प्लस टू एम स्क्वायर राइट तो दो केसेस प्लस माइनस वाले मैंने ले लिए ठीक है पॉजिटिव ये जो नंबर्स होते हैं इसकी तरफ प्लस माइनस लेना इज क्वाइट इजी तो ये वन एंड द सेम थिंग हो जाएगी अब इसमें इधर क्रॉस करो तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम और इस साइड कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम इस साइड मेरी जो बनेगी क्वाड्रेटिक वो क्या बन रही है टू एम स्क्वेर माइनस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और इस साइड क्या बन रही है मेरी इनको दोनों को उस तरफ ले जाते हैं सो टू एम प्लस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब इसमें जब लेफ्ट हैंड साइड में है टू वन टू ठीक है तो इसी को ऐड करके माइनस टू एंड माइनस वन बन रहा है मेरा सो टू एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो टू एम एम माइनस वन माइनस वन एम माइनस वन सो टू एम माइनस वन एम माइनस वन सो एम इज आइदर हाफ और वन दोनों वैल्यूज मेरी हो सकती हैं इसमें सेम थिंग राइट एंड साइड पे इसमें क्या आएगा इसमें प्लस हो जाएगा सब कुछ टू एम स्क्वेयर प्लस टू एम प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो

ये किस चीज के आए हैं ये लाइन वन का स्लोप आया स्लोप ऑफ लाइन वन दोनों ये भी और ये भी तो स्लोप ऑफ लाइन टू क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन टू जब हाफ रखेंगे आप तो इसका डबल हो जाएगा ना टू एम में था ना स्लोप ऑफ लाइन टू सो टू एम वुड बी, ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा तो स्लोप्स के पेयर बन जाएंगे एक पेयर ये बन गया आपका एक पेयर ये बन गया राइट right. ऐसे ही यहां पे 2m क्या होने वाला माइनस वन और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस टू तो एक पेयर ये बन गया स्लोप्स का क्योंकि हमने तो लाइन वन लाइन टू के स्लोप्स करने हैं ना, और एक पेयर ये बन गया तो मेरे स्लोप्स का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा दैट वुड बी हाफ एंड वन ठीक है जी एक पेयर और वन एंड टू और माइनस हाफ एंड माइनस वन और माइनस वन एंड माइनस टू ये तो इकट्ठे इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे ना क्योंकि दोनों लाइंस के स्लोप है या ये आएगा या ये आएगा ये ये आएगा या ये आएगा सो दिस इज माय फाइनल आंसर नेक्स्ट इज ट्वेल्थ क्वेश्चन अ लाइन पास इस थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एच के इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज एम शो दैट के माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एच माइनस एक्स वन तो एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रही है एक्स वन वाई वन एंड एच के तो उसका स्लोप जो है वो एम दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं स्लोप स्लोप क्या होगा एम इज इक्वल टू ठीक है के माइनस वाई वन यहां से भी आइडिया लग रहा है आपको के माइनस वाई वन है तो पॉइंट टू इसको यूज किया हुआ उसने सो के माइनस वाई वन ओवर एच माइनस एक्स वन ठीक है जी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन वाला फॉर्म लगाया स्लोप का मैंने तो ये एम कितना हो गया आप अच्छा क्रॉस कर लो इसको एम इन टू एच माइनस एक्स वन इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बस यही मांगा टू प्रूफ रीअरेंज करके लिखना बस इसे के माइनस वाई वन लेफ्ट में ले आते हैं और एम एच माइनस एक्स वन राइट में ले जाते हैं यही मुझे प्रूफ करना था नेक्स्ट इज थर्टीन क्वेश्चन इफ थ्री पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन शो दैट दिस तो अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं इसी ऑर्डर में ले लेते हैं जिसमें इसने मेंशन किया है एच जीरो ए बी एंड जीरो के ठीक है, तो इनका स्लोप सेम होगा तो दोनों का तो यहां पे अगर मैं M1 वन ले रहा हूं इतने का स्लो हो और M2 टू इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप ले रहा हूं तो ये सेम होंगे M1 वन टू तो M1 वन इज इक्वल टू एम टू होगा तो अगर मैं उसे लगा रहा हूं तो M1 वन क्या B माइनस जीरो ओवर A माइनस एच इज इक्वल टू एम टू लगा रहा हूं तो के माइनस बी ओवर जीरो माइनस ए तो इसमें अब आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें शुरू तो ये तो माइनस ए है और ये बी है तो माइनस ए बी हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस साइड ए माइनस एच इंटू माइनस बी हो जाएगा तो ये हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी राइट तो इस पे एक नजर हम रखेंगे कि हमें चाहिए क्या बाद में इसको क्योंकि डिवाइड करना पड़ सकता है तो इसको ध्यान में रखना कि ए ओवर एच है बी ओवर के और राइट हैंड साइड पे वन था नेक्स्ट स्टेप में आप इधर देखो क्या कट रहा है ये कैंसल आउट हो गया राइट तो ए बी एक तरफ था तो एच के को मैं इस तरफ ले आता हूं तो रीअरेंज करके क्या लिखा जाएगा कि ए के प्लस एच बी एक तरफ और ए के एक तरफ अब आप ध्यान देंगे तो ऊपर से जो राइट मुझे क्या चाहिए ए ओवर एच चाहिए तो अगर मुझे ए ओवर एच चाहिए यहां तो नीचे मुझे एच चाहिए तो एच से डिवाइड करना पड़ेगा और के मुझे काटना है है ना तो मैं के एच से डिवाइड कर दूं डिवाइडिंग बाय के एच तो तीनों के एच से डिवाइड होंगे, तो ए के ओवर के एच प्लस एच बी ओवर के एच इज इक्वल टू तो ए के ओवर मैंने गलत लिख दिया यार कुछ ए के पल एच बी एच के जाना उधर ये ए के नहीं है दिस इज एच के ये एच के सो इट इज एच के एच के ओवर के एच अब आप देखोगे बड़े आराम से दिख रहा है आपको कैंसल आउट होती हुई चीज़ें तो ए के और के के कैंसल आउट हो गया ए बाय एच आ गया एच एच कैंसल आउट हो गया बी बाय के आ गया ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया वन आ गया तो so, यही हमने प्रूव करना था ओवर एच प्लस बी ओवर के इज इक्वल टू वन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइ वॉट विल बी द पॉपुलेशन इन दर टू थाउजेंड टेन तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में है कि हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है ए बी की ए आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक्स एक्सिस पे ईयर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन दी हुई है के अंदर ये पॉपुलेशन है ठीक है तो ए पॉइंट पे 1985 के अंदर 92 करोड़ पॉपुलेशन थी ठीक है तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया इसका नाइनटीन एटी सिमिलरली बी जो कोऑर्डिनेट है तो वो कितना हो गया 1995, 97. 1995 में 97 करोड़ थी तो ए बी का स्लोप निकालना है मुझे और इसके स्लोप से मुझे बतानी पॉपुलेशन 2010 में कितनी होगी इस ग्राफ के हिसाब से तो 2010 में इस ग्राफ को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा तो यहां पे जब मैं इसको इस टाइप से लेके जाऊंगा तो जो पॉपुलेशन है वो इस टाइप से कुछ निकल के आएगी यहां पे ठीक है तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये टू जीरो वन जीरो वाई रख लेते हैं इसको क्योंकि वाई एक्सिस का वाई पॉइंट चाहिए मुझे यहां से तो ये मेरी टू थाउजेंड टेन में होगी तो इसका स्लोप भी इसके साथ ही रहेगा तो एम इसको अगर मैं पॉइंट सी डाल लू तो एम ए बी ये है और एम बी सी ये है एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी होगा क्योंकि आ, सीधी लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो दोनों के सेम रहेंगे तो सबसे पहले हम एम ए बी निकाल लेते हैं एम ए बी इज इक्वल टू नाइन्टी सेवन माइनस नाइन्टी टू तो इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा डिनोमिनेटर में नाइनटीन नाइनटी फाइव माइनस नाइनटीन एटी फाइव X2 टू माइनस एक्स वन नीचे की तरफ Y2 टू माइनस वाई वन ऊपर हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन नीचे हो गया तो so, so, गया से तो so, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एन यूजिंग इट फाइंड द पॉपुलेशन इन 2010 तो एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी है ना क्योंकि एबीसी स्ट्रेट लाइन है ग्राफ तो स्ट्रेट ही रहेगा ए बी सी इज अ लाइन राइट तो एम ए बी जो हाफ आया और एम बी सी वाई माइनस नाइनटी सेवन ओवर टू थाउजेंड टेन माइनस नाइनटीन नाइन्टी फाइव राइट तो ये कितना आ गया ये पंद्रह साल हो गए तो बेसिकली इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये आपका फिफ्टीन आ गया तो फिफ्टीन इधर भेज दिया राइट और टू को अगर आप भेजना चाहो तो दूसरी साइड भेज देते हैं तो ये क्या अवस्था भेजने की जरूरत ही नहीं है यार 15 बाई टू रखो प्लस 97 उधर ट्रांसपोज करो इज इक्वल टू वाई तो ये 7.5 आ जाएगा तो ये बेसिकली कितना आ गया 104.5 जीरो फोर पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वाई इतने करोड़ जो है मेरी पॉपुलेशन होगी 2010 के अंदर सो दिस इज माय आंसर